तो ये देखो आप सिलिसर लेक का क्या नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा होटल है राजस्थान टूरिज्म की तरफ से। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, हमने टिकट्स भी ले लिए हैं। हेलो कर दो भैया। हेलो। तो ये भैया बता रहे हैं कि ये मैन मेड लेक है, तो यहाँ पे मगरमच्छ भी है बहुत सारे और वहाँ दूर लोगों का घर भी है। नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ सिलिसर लेक। तो आज मैं आपको पूरा टूर दूंगी सिलिसर लेक का कि यहाँ पे कैसे आना है, कितनी देर लगती है आने में, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ सिलिसर लेक का। अभी जस्ट मैंने एंट्री नहीं की है, अभी हम लोग एंट्री बस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो आप सिलिसर लेक का क्या नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा है सिलिसर लेक का। इतनी सुंदर झील है और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, तो आप इन बंदरों से बच के रहना। सो गाइज, अब चलते हैं हम अंदर और अंदर लेके जाती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ सिलिसर लेक का क्या नज़ारा है। तो अभी तक तो ये नज़ारा है, यहाँ पे स्पीड बोट्स भी चलती हैं, बोटिंग भी होती है, जेट स्की भी चलती है, सब कुछ चलती है। एंड ऑल्सो आपको एरिया में दिखा देती हूँ, ये है पार्किंग का पूरा एरिया। यहाँ पे आके आप अपनी पार्क कर सकते हो गाड़ी अलवर मेन सिटी से। यहाँ पे ऑटोज भी आते हैं, बसेस का मुझे नहीं अभी तक पता चला कि यहाँ पे बसेस आती है कि नहीं, बट ऑटोज आते हैं, आप ऑटो से आ सकते हो या फिर अपनी प्राइवेट टैक्सी करके आ सकते हो। और यहाँ पे पार्किंग में आने से पहले ही बैरिगेट लगे हुए हैं, वहाँ आपको 100 रुपीज पर पर्सन का पर्ची कटाना पड़ता है, तब जा करके आप यहाँ की इस पार्किंग में आ सकते हो। ये पार्किंग है, आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी। एंड ये लेक है और वहाँ है एंट्री। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर। सो गाइस, कुछ इस तरह है सिलिसर लेक की एंट्री, बस आपको वहीं 100 रुपये पर पर्सन देना है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा होटल है राजस्थान टूरिज्म की तरफ से, यहाँ पे होटल बनाया गया है। ऑल्दो मेरा यहीं पे रुकने का प्लान था बट मैं नहीं रुक पाई, क्यों? क्योंकि इस होटल में सिर्फ 7 कमरे हैं और ये राजस्थान टूरिज्म की तरफ से होटल है, सिलिसर लेक होटल। आप जाके चेक कर सकते हो राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट पे, बट इस होटल में अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है और जब मैंने चेक किया था तब भी ये अवेलेबल नहीं था। और ये देखो आप, यहाँ पे रूम है और आपको ये व्यू मिलेगा रूम्स के साथ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे होटल अवेलेबल है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अगर आप जब आना चाहते हो उस टाइम पे अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे कर सकते हो। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और बोटिंग करने के लिए आपको लेनी पड़ती है टिकट, जो कि आपको मिलती है वहाँ ऊपर से, और फिर उसके बाद आप जाते हो नीचे। यहाँ से आपको बोटिंग, यहाँ से आपको बोट लेनी है और ये आपको पूरा लेक का चक्कर घुमाते हैं। तो हमने कराई है मोटर बोट। मोटर बोट के चार्जेस है 1200 रुपये 4 लोगों के फॉर 15 मिनट्स। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एंड ऑल्सो स्पीड बोट, स्पीड बोट है 4 बंदों के लिए 2000 रुपीज। एंड जेट स्की यहाँ पे अवेलेबल है 800 रुपीज फॉर 2 पर्सन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, हमने टिकट्स भी ले लिए हैं। तो गाइस, अभी हम जाने लगे हैं बोट में, ये सारा बैठ जा रही है।
चलो 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 बैठ जाओ। सो गाइस हम लोग बैठ गए बोट में और ये चल रही है, चलने वाली है बस। ओहो हो गाइस हमारी रश्मि यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रही है। ओह मम्मा गाइस हमने रश्मि को डरा दिया गाइस। इसका बच्चा नहीं डर रहा, माता डर रही है माता। ये देख लो आप लोग, हम लोग मोटर बोट में चढ़ गए हैं और ये भैया बता रहे हैं, हेलो कर दो भैया, हेलो। तो ये भैया बता रहे हैं कि ये मैनमेड लेक है, राजा विनय सिंह ने बनाई थी, जिसका कलम किला भी देख के आए थे। 30 फुट गहरी है ये लेक और इसका नजारा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है। रश्मि ने नजारा नहीं देखा। रश्मि डर रही है, रश्मि की बहुत, रश्मि बहुत डर रही है, बहुत ज्यादा डर रही है। भैया को बार बार बोली जा रही है भैया धीरे चलाओ, भैया ने अपनी मोटर ही बंद कर दी। मोटर बोट में विदाउट मोटर जाएंगे। और गाइस आल्सो यहाँ पे मगरमच्छ भी है बहुत सारे, तो नीचे हाथ डाल के देखना पड़ेगा मगरमच्छ आ जाए। मगरमच्छ आ गए, बहुत सारे मगरमच्छ है इसमें। दिखेंगे नहीं भैया, कब दिखते हैं? सर्दी में नहीं दिखेंगे, धूप आने पे ऊपर आते हैं गाइस। कोई बात नहीं, एक बार धूप में आ जाएंगे यहाँ पे तब मगरमच्छ आएंगे। और यहाँ पे लेक के बीच में टापू भी है छोटे छोटे, और वहाँ दूर लोगों का घर भी है। अच्छा वो गांव है, ये होटल है। अच्छा ये होटल है, अच्छा ये होटल है, ये होटल है, होटल है। उसमें तो हमें कमरा नहीं मिला था भैया, ये होटल है। अच्छा ये भी होटल है। तो गाइस बोटिंग करके अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, और ऊपर आकर के आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है एक छोटा सा रेस्टोरेंट। ये राजस्थान टूरिज्म की तरफ से ही रेस्टोरेंट दिया गया है। ये रहा रेस्टोरेंट, और अंदर भी सिटिंग है, और अगर आप बाहर बैठना चाहते हो विद द लेक व्यू तो यहाँ पे बाहर भी सिटिंग है। और गाइज यहाँ पे करने के लिए कुछ भी और खास नहीं है, बस आप यहाँ पे आके बोटिंग कर सकते हो और थोड़ी देर अपना स्पेंड कर सकते हो। लेक के आसपास तो आप नहीं स्पेंड कर सकते हो अपना टाइम, बट हाँ यहाँ पे ऊपर आकर के आप इस एरिया में यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। मैक्सिमम आपको यहाँ पे आने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए, दैट्स इट। 1 से 2 घंटे में आपकी बोटिंग भी हो जाएगी और यहाँ पे कुछ फोटोज भी खींच ली जाएंगी। सो ये है, ये चारों तरफ लेक है, ये है पूरा लेक का नज़ारा। तो दैट्स इट फॉर सिलिसर लेक। मैं आपसे मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरे अलवर वाले व्लॉग्स आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जाते जाते इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, अक्षय किरार ऑफिशियल एंड अक्षय किरार मेकओवर्स। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।